नमस्ते, आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम नई और टेस्ट रेसिपी, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक आलू, एक प्याज, एक अंडा, दो हरी मिर्ची, चिली फ्लेक्स एक चम्मच, काली मिर्ची पाउडर आधा चम्मच और डेढ़ चम्मच मैदा लिया है। अभी हमें आलू छील कर लेना है और छील के उसको तो कद्दूकस करके लेना है। इसके लिए मैंने बाउल में एक पानी लिया है और अभी हम आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू को पानी में हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इसका सारा स्टार्च जो है वो निकल जाए और आलू जो है वो लाल ना हो जाए, इसलिए हम पानी में डाल रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, इसको पानी से निकाल देना है, सभी पानी इसमें से निकाल कर, यानी हमें इस आलू को तो अच्छे से निचोड़ कर लेना है। जो आलू हमने अच्छे से पानी से धोकर निकला है वो लेंगे हम, और इसमें हमने जो एक प्याज लिया था वो बारीक कटा हुआ लेंगे। दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, काला मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं चिली फ्लेक्स को, और नमक डालेंगे स्वादानुसार। मैंने यहाँ पे आधा छोटी चम्मच नमक डाला है और मैदा हमने डेढ़ चम्मच लिया है वो भी इसमें डालेंगे। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है मैदा, क्योंकि ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए उपयोग में आता है। अभी इसको हम अच्छे से तो मिक्स कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे तो उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। और अभी हम इसमें तो एक अंडा तोड़ के डालेंगे। ये रेसिपी जो है वो नई है, इसलिए आप ज़रूर से घर पे इसे ट्राई कीजिए, बहुत ही जल्दी से 5 मिनट में बन जाती है। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है, जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे हम इसको अच्छे से फेंटेंगे और ऑमलेट के जैसा ही हम तवे में इसको फ्राई करेंगे। देखिए, अभी मैंने तो गैस पे पैन रख दिया है और इसमें अभी मैं 2 बड़े चम्मच तेल डालूँगी। जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं वैसे अभी हम इसको भी तवे पे बना देंगे। अगर आपको ये रेसिपी हेल्पफुल लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे नए नए रेसिपीज़ चैनल पे डाल सकूँ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अभी तो हमारा जो ऑमलेट जैसे जो हमने बनाया है वो अच्छे से तो एक साइड से पक चुका है। अभी हम इसको पलट देंगे, दोनों साइड से भी ऐसे ही सुनहरा होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। अभी देखिए, हमारा तो ऑमलेट तैयार है। अभी हम इसको निकाल देंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे बना था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।